बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। सम पीपल आल्सो कॉल्ड इट एज़ अ गॉसियन एलिमिनेशन मेथड एंड इट इज आल्सो कॉल्ड गॉस-जॉर्डन मेथड। वेल देयर आर वेरी सिंपल स्टेप्स टू सॉल्व गॉसियन एलिमिनेशन मेथड्स। वी हैव टू इक्वेशंस फ्रॉम सिस्टम ऑफ इक्वेशन टॉपिक। वी हैव टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन वन। The second one is equation number 2. What we are going to do, we are going to do to separate the coefficients from these two simultaneous equations. सबसे पहले हम लोग इसके coefficients अलग अलग करेंगे। ये variables है x और y, हमने इसके coefficients अलग अलग करने हैं 1, 2, 8, 12. सबसे पहला काम हमने क्या किया, इन दो equations में से इनके coefficients, ये जो constant है variable के साथ, ये अलग अलग करके लिखे। 4 लिखा, माइनस 2 लिखा, 8 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, फिर उसके बाद 12 लिख लिया। क्या करना है, ये हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है। इस ओरिजिनल मैट्रिक्स को हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स क्या कहलाता है? यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है कि जिसका डायगोनल 1 होता है। डायगोनल, दिस इज कॉल्ड डायगोनल। ये डायगोनल 1 के बराबर होता है, दिस इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। हमने 4 को 1 बनाना है, 1 को फिर 0 बनाना है, फिर इस 2 को 1 बनाना है, इस माइनस 2 को हम लोगों ने क्या 0 बनाना है, एंड वी इन फाइनल वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। दीज टू वैल्यूज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा रो 1 है, ये हमारा रो 2 है। स्टूडेंट्स, देर आर सम ऑपरेशंस वी विल डू इन सॉल्विंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। ओरिजिनल मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने दो ऑपरेशंस करने होंगे। एक इसको 1 बनाना है, सेकंड इसको 0 बनाना है। 1 बनाने के लिए तकसीम या फिर ज़रब देना होता है, और 0 बनाने के लिए हमने प्लस या माइनस करना होता है। क्या करेंगे, 1 बनाने के लिए हम लोग या तो मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे। 0 बनाने के लिए या तो ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक और काम, 0 बनाने के लिए हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू जहां पे हम लोग 1 बनाएंगे उसको साथ लेके चलेंगे। कैसे, अभी सॉल्व करके देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहला काम 4 को 1 बनाना है। कैसे 1 बनेगा, कौन सी ऐसी चीज है जो मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये 1 बन जाए। तो स्टूडेंट्स, 4 ही वो डिजिट है, 4 ही वो नंबर है। अगर मैं 4 को 4 से डिवाइड करूंगा तभी ये 1 बनेगा। तो 4 कहां पे लाई कर रहा है, रो 1 में। तो मैं लिखूंगा कि R1 डिवाइडेड बाय 4। मैंने क्या किया, मैं अब ऑपरेशन करूंगा रो 1 में। R1 के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है, 4 है, माइनस 2 है, 8 है। सबको 4 से डिवाइड करूंगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, माइनस 2 को 4 से डिवाइड करेंगे माइनस 1/2 आ जाएगा, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हमारे पास R1 की शक्ल चेंज हो चुकी है। R1 मेरे पास आ गया है 1, माइनस 1/2 एंड 2। R2 मेरे पास क्या है, 1, 2, 12। नाउ दिस इज आवर R1, दिस इज आवर R2। अब 1 मेरा बन गया है। स्टूडेंट्स, एक बात का खास ख्याल रखना है कि 1 जहां पे बना है फिर उसी की सीध में 0 बनाना है। हमने जंप नहीं करना, यहाँ पे 1 नहीं बनाना, यहाँ पे 0 नहीं बनाना। 1 जिस कॉलम में है उसी कॉलम का 0 हम लोग बनाएंगे। अब R2 इसको 0 बनाना है, तो कैसे 0 बनेगा, देखो 0 बनाने के लिए प्लस या फिर माइनस करना होगा। तो ऐसी कौन सी चीज है जो मैं 1 से माइनस करूंगा तो ये 0 बन जाएगा, 1 से 1 ही माइनस करूंगा तभी ये 0 बनेगा। तो R2 माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू R1। ये क्या लिखा, ये जहां पे हमने 1 बनाया था उसको साथ लेके चलेंगे। अब हम लोगों ने 1 बनाया तो रो 1 में, तो रो 1 को साथ लेके चलूंगा मैं विथ रिस्पेक्ट टू। ये एक काम एक्स्ट्रा आपने करना है 0 बनाने के लिए। तो R2 के एलिमेंट्स क्या क्या चीजें है, 1 है, 2 है, 12 है। सबसे माइनस वन करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू R1। R1 के में 1 है, माइनस 1/2 है और 2 है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1
वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू प्लस वन अपॉन टू, एलसीएम लेंगे टू, टू टू जा फोर प्लस वन, ये फाइव अपॉन टू बन जाएगा, टू वन जा टू, ट्वेल्व माइनस टू, ये हमारे पास टेन आ जाएगा। अब आर टू की शक्ल चेंज हो गई है, आर वन मेरे पास वन था माइनस वन अपॉन टू और टू, अब आर टू की शक्ल जीरो, फाइव अपॉन टू और टेन, वी विल गेट आर वन एंड आर टू। स्टूडेंट्स हमारा वन बन चुका है, जीरो बन चुका है, अब हम लोगों ने इसको वन बनाना है। फाइव अपॉन टू कब वन बनेगा? अगर मैं टू अपॉन फाइव को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तब ये वन बन जाएगा, और वन बनाने के लिए कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। तो मैं लिखूंगा के आर टू मल्टीप्लाई बाय टू अपॉन फाइव, पूरी की पूरी आर टू को मैं टू और फाइव के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तभी जाके ये चीज वन बन जाएगी। तो आर टू के एलिमेंट्स क्या क्या है? जीरो है, फाइव अपॉन टू है, टेन है, मल्टीप्लाई बाय टू अपॉन फाइव, मल्टीप्लाई बाय टू अपॉन फाइव, मल्टीप्लाई बाय टू अपॉन फाइव। जीरो के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो जाती है वो जीरो हो जाती है, टू टू के साथ कैंसिल, फाइव फाइव के साथ कैंसिल, ये वन बन जाएगा। अच्छा फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, टू टू जा फोर। स्टूडेंट्स हमारे पास आर टू की शक्ल चेंज हो चुकी है, अब आर टू की शक्ल जीरो हो गई है, वन है, फोर है, और आर वन वन माइनस वन अपॉन टू और टू, दिस इज आवर आर वन, दिस इज आवर आर टू। आर वन आर टू से मुराद रो वन एंड रो टू। वन बन चुका है, फिर उसी की सीट में जीरो बनाया, फिर वन बनाया, अब उसी कॉलम में हम लोग जीरो बनाएंगे। जीरो बनाने के लिए ऑपरेशन क्या करना है? प्लस या माइनस करना होगा। तो मैं लिखूंगा आर टू, अब प्लस क्योंकि ये माइनस में है तो प्लस वन अपॉन टू करेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे तो ये जाके जीरो बनेगा। लेकिन जीरो बनाने के लिए एक और काम, हम लोगों ने रिसेंटली वन कहां पे बनाया? रो टू में। तो सॉरी ये आर वन है, आर वन के अंदर हम लोग ऑपरेशन करेंगे, आर वन में वन अपॉन टू एड करेंगे तब ये जीरो बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू आर टू। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन कर रहे थे आर टू के साथ, आर टू में जीरो बना रहे थे तो हम लोगों ने आर वन को साथ लेके चले, यहाँ पे हम लोग आर वन में जीरो बना रहे हैं तो हम लोग किसको साथ लेके चलेंगे? रो टू को साथ लेके चलेंगे। आर वन के एलिमेंट्स क्या क्या है? वन है, माइनस वन अपॉन टू है, टू है, सब में मैं ऐड करूंगा वन प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू विद रिस्पेक्ट टू आर टू, जीरो वन एंड फोर। कोई भी चीज जीरो के साथ जरब खाती है वो जीरो हो जाती है, जीरो प्लस वन वन हो जाता है, ये प्लस वन अपॉन टू, ये माइनस वन अपॉन टू तो कैंसिल होके जीरो बन जाएगा, टू टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, टू प्लस टू ये फोर हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमारे पास आर वन की शक्ल चेंज हो चुकी है, वन जीरो फोर और जीरो वन फोर, ये एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई और ओरिजिनल मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म होके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो गई है। स्टूडेंट्स अगर आपको कंफर्मेशन करनी है अपने क्वेश्चन की कि आपका क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग, तो आप एक्स और वाई की वैल्यूज किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं। अब आप इक्वेशन नंबर टू में पुट करके देख ले, एक्स है, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू चार डाल दे, प्लस टू टू लिख दे, वाई है तो वाई की जगह वाई की वैल्यू डाल दे फोर, और ये साइड हमारे पास 12 है तो ये वाला साइड भी क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। 4 प्लस 2 4 जा 8, 8 इज इक्वल टू 12, 4 प्लस 8 12, 12 इज इक्वल टू 12। तो हेंस प्रूव हमारा गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, हमने जो क्वेश्चन परफॉर्म किया वो बिल्कुल सही है।